whatever you are doing is really great. क्योंकि मैं एक बुला रहा था जिससे बिना पढ़ाई कम साल पहले की बात तो उसके साथ भी एक छोटी सी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी तो उन्होंने हर पोल पे एक डिग्री डाल दी थी तो आई काउंटेड 34 डिग्रीज जो वहाँ पे लगी हुई थी एंड ऑनेस्टली आई डिडंट नो कि इनका फ्यूचर क्या है यानी आई मीन यू हैव अ डिग्री फॉर एग्जांपल बट व्हाट विल इट डू फॉर द स्टूडेंट एंड हाउ विल दे बी अब्सॉर्ब्ड इन सोसाइटी क्या बनेगा उसका ये भारत अगर ये सोच के साथ ये सब काम हो रहे हैं तो रियली इम्प्रेसिव सो माय एप्रिसिएशन आप में से माशाल्लाह कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेडिकल करना चाहते थे और नहीं कर पाए मल्टीनेशनल में काम किया है उसके बाद जेनेरिक मार्केट और लोकल कंपनीज हैं और पिछले 23 साल से स्टिल वर्क फुल टाइम आई एम पास्ट रिटायरमेंट I still work full time and I'm currently working as general manager pharmaceutical. Pharmaceutical industry mein except core finance, baaki koi aisa function nahi hai jo maine nahi kiya. Allah ka shukr hai, bahut mujhe aap ka shukr hai. Bahut aapki mashallah, bahut achhi guftugu suni hai sabhi mere jo dost hain, colleagues hain. Pharma veteran maine 2018 mein socha tha. आई हैड रिटायर्ड ऑलरेडी और मैंने सोचा था कि मैं उसको वियतनाम रहता था रनिंग प्लांट देर सो आई थॉट कि मुझे पाकिस्तान जाना है वापस तो क्या करना सो काइंड आई मीन आई हैड एन आइडिया कि अब शायद नौकरी वोकरी तो कोई नहीं होगी काम शायद नहीं होगा तो कोई अच्छा काम किए थे तो इसलिए आई डिसाइडेड टू पुट अप दिस फाउंडेशन थिंग और ये ख्याल था जो लेगेसी की बात है लेगेसी इज समथिंग वेरी स्ट्रॉन्ग कि कुछ किया जाए तो ये मैंने बना लिया है ये मैंने डोमेन रजिस्टर कर लिया है फिर मैंने एक ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया तो फार्मा वेटरन्स के ब्लॉग जो हैं ये 2018 से बल्कि 2017 के अक्टूबर से चल रही है और मैंने कल जो ब्लॉग पब्लिश किया था वो 562nd ब्लॉग पास 500 और फिर मुझे ख्याल आया कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ते हैं वो वीडियो देख लेते हैं पढ़ते नहीं हैं मैं फिर मैंने यूट्यूब का चैनल शुरू किया लाइव व्यू दस्तार कुरैशी के नाम से उसकी मैंने आज जो वीडियो पोस्ट की थी वो 234 थी मुख्तसर देखिए दो तीन बड़ी छोटी छोटी सी बातें आई डोंट आई थिंक यू मस्ट बी ओवरवेल्म्ड बाय नाउ कि बड़ी बड़ी गुफ्तगु हो गई है किसी की बड़ी स्टोरी है और शायद पता नहीं हमारी कभी होगी या नहीं होगी स्टोरी और हर किसी का बड़ा पैशन था हर किसी का बड़ा विजन था हर किसी का मतलब के साथ मेरे दोस्त ने सबरे से इतना बड़ा विजन नहीं था उस जमाने में हमारा ठीक है ना ऑनेस्टली वी स्टार्टेड ऑफ वी रियली डिडंट हैव मच ऑफ अ क्लू ये क्या करना है पर्सनली आई जॉइंड फार्मास्यूटिकल्स आई लाइक्ड इट बट देन आई डिडंट लाइक मैंने कहा क्या ये काम ये काम है आई वॉन्टेड टू डू एडवर्टाइजिंग तो 5 साल के बाद मैंने एक जॉब छोड़ दी मैं अपना सामान उठाया अपना एक अटैची मैं कराची चला गया बिलोंग टू लाहौर वहाँ जाके मैं एडवर्टाइजिंग की नौकरी ढूंढता रहा जो मुझे नहीं मिली एंड आइडियली 3 महीने मैंने जॉब की फिर एक दिन मैं फिर बैठ गया मैंने व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू रियली विद माय लाइफ मैं अच्छा खासा फार्मास्यूटिकल बेच रहा था पढ़े लिखे लोगों से गुफ्तगू कर रहा था अब मैं वेल्डिंग इलेक्ट्रोड बेचता हूँ जाके वेल्डरों से गुफ्तगू करता हूँ तो क्या आई एम ट्राइंग टू डू रियली अगले दिन मैंने रिजाइन किया अपना अटैची वापस उठाया मैं लाहौर उससे अगले दिन मैंने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में इत्तेफाकन जॉब्स थी एबर्ट मिकी की मैंने वो ज्वाइन कर ली एंड सिंस दैट डे दैट 1980 तो 1980 से आज तक लुक बैक बड़ी सिंपल बात है बेसिकली इसमें कोई यानी कोई बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है ना मेरा कोई कमाल है इसके फोकस की बात कि जब हम किसी चीज़ पर फोकस कर लेते हैं कि यही करना है तो मैं सिर्फ आपसे 3 छोटी-छोटी चीज़ें शेयर करूँगा ज़्यादा बड़ी बातें तो बहुत हो सकती हैं एक फोकस की बात है कि फोकस चाहिए जो भी बना लेते हैं और फोकस बनाने के लिए ज़रूरी है कि अपनी कोई स्ट्रेंथ डिस्कवर कर लीजिए ये मेरा फेवरेट टॉपिक है मैं हर किसी को ये कहता फिरता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ डिस्कवर कर लीजिए एक भी डिस्कवर कर लीजिए तो आपकी ज़िंदगी में काम आ जाएगा अपनी स्ट्रेंथ डिस्कवर कीजिए
और उस स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करने के बहाने ढूंढिए, तरीके ढूंढिए, अपॉर्चुनिटीज ढूंढिए जिसमें आपकी वो स्ट्रेंथ यूज हो सके। हर किसी की एक स्ट्रेंथ जरूरी है, एक से ज्यादा, मेजॉरिटी को पता नहीं है कि उनकी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए ना, ये पीएचडी इकोनॉमिक्स करते हैं, जिस बंदे ने किताब लिखी जो बेस्ट सेलर है इकोनॉमिक्स का, बंदा है पीएचडी डेनियल कहानीमैन, फास्ट थिंकिंग एंड स्लो थिंकिंग, उसका इकोनॉमिक्स से कोई वास्ता नहीं है उस किताब में, इट्स नॉट बिहेवियर एंड इट्स अ वंडरफुल बुक, इट्स अ बेस्ट सेलर, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है कई अर्से से, ही इज अ पीएचडी इकोनॉमिक्स। तो ये असल बात है कि आपका फोकस, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, जिस जो आप स्ट्रेंथ अपनी डिस्कवर कर लेंगे वो आपको जिंदगी में कहीं ना कहीं पे पहुंचा देगी, अगर आप उस पर फोकस अपना जारी रखें। बड़ी मुख्तसर बात है। दूसरी बात यह है कि जब मैं 1980 में वापस आ गया, तो उससे पहले का जो मेरा करियर था ना, वो काइंड ऑफ स्पाइक्स था, कभी बड़ा अच्छा काम कर लिया, मूड हुआ, नहीं मूड हुआ तो नहीं काम किया, इस किस्म का कोई रवैया था मेरा। फिर एक काइंड ऑफ सेट अपार्ट, यदि चाहे जिंदगी खराब हो, अच्छी हो, तबीयत ठीक हो, बुखार हो, ना हो, ये लाइन है, इससे स्लाइटली 5-7% ऊपर नीचे जाने की इजाज़त, इससे ज़्यादा की इजाज़त नहीं। सो मैं ना छुट्टी करता आमतौर से, अनले से कि कोई फंक्शन हो और इस तरह की कोई चीज़ हो, जरूरत नहीं महसूस होती इस तरह की चीज़ की। तो ये एक जो बार कायम करना है ना अपने लिए, तो ये मेरी बार है, एंड आई वुड नॉट मूव फार बियॉन्ड दैट बार, ये दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दूसरी। इसको आप डिसिप्लिन कह लीजिए, इसको आप कुछ भी कह लीजिए, जो आप नाम लेना चाहें दे लीजिए, मैं इसको यही कहता हूँ कि लाइन मैंने ड्रॉ की हुई है, अब लाइन चल रही है पिछले 40-42 साल से, कि जिसमें मैं ऊपर नीचे ज़्यादा मूव आया थे, आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। तीसरी और आखिरी बात की जो पोटेंशियल की बात भी कामरान ने की, ये फार्म वेटरन भी आप इस तरह ना देखते हैं, कामरान नहीं होते, ये आए मेरे पास 2018 में और मुझे कहने लगे कि जी मैंने देखा है अपने ये बनाया ग्रुप, तो इसको क्या कह रहे हैं। मैंने कहा जी मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ, इज अ वेरी वेरी ग्रेट नेटवर्कर यू नो, विच आई एम नॉट ऑनेस्टली, उनकी स्ट्रेंथ है मेरी नहीं है। इनका अगर आप इजाजत दें तो हम इसका एक फिजिकल प्लेटफॉर्म बना लें। मैंने कहा सुबह यू आर दी राइट, आई नो हिम फॉर मेनी मेनी ईयर्स एक्चुअली, तो मैंने कहा बिल्कुल बनाइए जनाब। सो बहुत सारी एफर्ट होती है, सारी एफर्ट जो है इस फार्मर वेटरन्स को ज़मीन पर उतारने की, इसको पाल रखने की, एक्टिवेट करने की काम से ही की जाती है। All these amazing people actually. So, जो हमारा एक और बहुत बड़ा मेजर इश्यू कम्युनिकेशन, लास्ट पार्ट, वी आर वेरी पुअर कम्युनिकेशन। आप कभी देख लीजिएगा, आप पंजाब में खासतौर पर हमारी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है, इट्स रेयर टू फाइंड समबडी हू स्पीक्स वेल। स्पीक्स वेल ये नहीं कि आप अच्छी खिताबत करेंगे, अच्छी तबीयत करेंगे, अच्छी कम्युनिकेशन ये है कि जो बात आप कह रहे हैं उसमें आप कितने क्लियर हैं, आप उसे कितना इफेक्टिवली बताते हैं, वो बात आगे पहुंचती है या नहीं पहुंचती। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है, आपकी उर्दू अच्छी है, आपकी आपके लफ्ज़ बड़े बड़े भारी हैं, आप पता नहीं क्या कर सकते हैं कि लोग वहीं पर शायद उसके बोझ से फौत हो जाएंगे आपकी उर्दू, ऐसा नहीं है। इट हैज़ टू बी सिंपल, जो बात पहुँच जाएगी हमारी बात नहीं पहुँचती है, और हम जब बात करते हैं तो हम उसमें ऐसी बातें करते हैं कि जिसमें मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटी सी। मैंने एक दफ़ा टीवी पर एक प्रोग्राम देख रहा था, मैं अक्सर लोगों को इसको रिपीट करता हूँ। हमारे एक बड़े पुराने सिंगर थे मुनीर हुसैन, किसी साहब ने खैर नाम भी नहीं सुना होगा, गाना भी नहीं सुना होगा कभी, उनकी आवाज़ बड़ी सॉफ्ट थी, यानी बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी उनकी, सॉफ्ट थी, बड़े कई अपने दौर में उन्होंने कई गाने गाए उन्होंने, वो बहुत हो गए। टीवी पर उनकी याद में एक प्रोग्राम चल रहा था, हमारे मुल्क के एक बड़े नुमायदार मौसीकार बैठे हुए थे वहाँ पर, दो तीन और लोग भी बैठे हुए थे, तो जो भी कोई जो भी कॉम्पेयर एंकर जो भी थे उनसे गुफ्तगू चल रही थी, तो वो जो मौसीकार थे ना हमारे, उन्होंने एक फिक्रा बोला जिससे मुझे जो मुझे आज तक यहाँ पर छूटता है। उन्होंने कहा कि बस जी बड़े आदमी थे, मैंने भी सोचा था कि इनको अपने साथ काम दूंगा, पर बस जी वो ज़िंदगी ने मोल दी। आप इसको इंडिया से कंपेयर कर लें, हम सख्त खिलाफ हैं ना इंडिया के, बिल्कुल रहिए, मैं भी बड़ा सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन वहाँ अगर ये गुफ्तगू होती रहती या होती किसी स्टेज पे, तो वहाँ पे जो कोई बैठा था वो कहता कि जनाब उन जैसी तो शख्सियत ही पैदा नहीं हुई कभी, और हमारी तो हसरत ही रही कि कभी उनके साथ काम कर सकते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ये हमारी कम्युनिकेशन, और ये आई एम सॉरी टू से
मैं हर किसी को ये कहता करता हूँ कि हमारी कम्युनिकेशन अच्छी बिल्कुल नहीं है, और पढ़े लिखे लोगों की भी अच्छी नहीं है हमारे के साथ, और जो पढ़े लिखे नहीं है उनसे तो बुरा ज़्यादा करना नहीं चाहिए, लेकिन अच्छी है। तो एक आखिरी काम जिंदगी में अपनी कम्युनिकेशन पर जरूर काम करें। इट विल सेव यू फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल एंड इट विल गिव यू सो मच इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। पैसा तो एक मेजर है ना जिंदगी का, वो भी आ जाता है, वो जितना जिसको चाहिए होता है आ ही जाता है, आपकी मेहनत से भी नहीं आता लंबा चौड़ा, वो अल्लाह का काम है, जितना उसने देना है ना उसे लिख दिया वो दे देगा। अपने हिस्से के काम करते रहना चाहिए बस, उसकी ज़्यादा परेशानी नहीं रखनी चाहिए कि क्या होगा कल क्या होगा तो परसों क्या होगा, हाँ मैं कल क्या करूँगा परसों क्या करूँगा बस उसकी फिक्र रखनी है। हमारा काम इतना ही है बस, कम्युनिकेशन पे काम करना, फोकस एक बार अपनी काम बना लेना। अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाबियाँ दे, जहाँ भी आप जाएँ उस फील्ड में बड़ी कामयाबियाँ हों। देखिए फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है, नहीं भी है, दोनों तरह से आप देख सकते हैं। फार्मेसी बड़ा फील्ड है, आप मतलब फार्मेसी में है, फार्मेसी बहुत बड़ा फील्ड है इंटरनेशनल, तो जो पहले बात हो रही थी ना ग्लोबल, उसकी वाकई ग्लोबली फार्मेसी की बड़ी इम्पोर्टेंस, और पाकिस्तान में तो अभी वी आर जस्ट टचिंग द सर्फिस, स्क्रैचिंग द सर्फिस इसको कहते हैं, अभी तो वो हो रही है कुछ, यानी 50 बेड तो एक फार्मेसिस्ट होना चाहिए ना, ड्राइव को भी कहती हुई, और यहाँ अगर 2000 बेड के न्यू हॉस्पिटल है तो वहाँ पे 400 फार्मेसिस्ट नहीं है, वहाँ पे 40 फार्मेसिस्ट हैं, और इसी तरह से बाकी जगहों का भी मामला है। तो ये तो सिर्फ एक हॉस्पिटल है, रिटेल एक इतना बड़ा सेक्टर है जहाँ पे फार्मेसिस्ट होने चाहिए, कंसल्टेंसी एक इतना बड़ा है जहाँ पे होने चाहिए, रेगुलेशन या रेगुलेटोरी जो प्रोसीजर हैं अफेयर हैं, बड़ा फार्मेसिस्ट रिक्वायर्ड है। तो फार्मेसिस्ट के लिए कमी कोई नहीं है, आपने चूज करना है कि आपने किधर सर्व करना है, आपको क्या पसंद है, आपका पैशन जो भी कह लिया उसको, लेकिन कोई एक फोकस जो भी आप अपना बना दीजिए, काम बहुत है करने में, करते जाइए। आप 80 साल की उम्र तक काम करें, आप जब तक अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे तौफीक दे जिंदगी दे तब तक काम कीजिए। अल्लाह पाक आपको बड़ी खुशियाँ अता करें।